हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल P&S ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज मैं आप लोगों को लेकर के आया हूँ श्री दत्तगंज मार्केट के पास में ही खरदौरी गांव, जहाँ पर ये श्यामा माता का मंदिर है। और मैं आप लोगों को मंदिर भी दिखाऊँगा और साथ ही साथ इसके इतिहास के बारे में भी बताऊँगा। फ्रेंड्स, ये श्यामा माता का मंदिर है जो कि श्री दत्तगंज मार्केट के ही बिल्कुल पास में है और काफ़ी अच्छी लोकेशन, काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पर। ये इधर से काफ़ी ज़्यादा जगह भी है। ये सब इधर, ये अभी हनुमान जी का भी मंदिर बना हुआ है और माता जी की मूर्ति है, माँ काली माता और दुर्गा माता। और इधर ये हनुमान जी का मंदिर है। ये यहीं पर ये हनुमान जी का मंदिर है जो कि हनुमान जी का एक भव्य रूप, काफी विशाल है। ये सब इधर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर बताया, अभी पुजारी जी ने बताया दोस्तों कि यहाँ पर एक प्रथा चलती है, परंपरा है कि हर 3 साल में यहाँ पर बगिया भगाई की पूजा होती है जो कि काफ़ी मान्यता वाली पूजा है। और इस पूजा में लोग गांव के कई लोग एक साथ मिल करके यहीं पर ही भंडारा शुरू करते हैं और सारे गांव के लोग एक साथ चूल्हा, जो कुछ भी होता है, अनाज जो कुछ भी होता है, यहीं पर ला करके बनाएंगे, खाएंगे और यहीं पर ही माता जी का पूजा भी होगा दोस्तों। और ये आप लोग इधर देख सकते हो, इधर ये हवन कुंड है माता जी का और सामने ये माता जी का मंदिर है। आप लोग माता जी के दर्शन भी कर सकते हो। ये मंदिर पहले नहीं था, यहाँ पे वो गहरा वर्रा पहले जंगल बल गया, पेड़ कहीं खेल गया, थोड़ा तेज बढ़े, ज़्यादा ज़्यादा पेड़ के बढ़े, मोट मोट आम के पेड़। इसके बाद जैसे गया है एक सेखुआ पेड़ था जो कि वो लोग बताते हैं कि कोई लेकर के कोल्हू जा रहा था, चल कोल्ही समझे, तो वो गिर गया रहा, तो वो सवेरे आवा तो उसका काटा है वो पेड़ होगा, तो काटे लाग तो वहाँ से खून निकलेगा और खून चलाएगा। वो पेड़ बहुत बाढ़ मार घिरा है, चीजें घिरा उकर का। यहाँ एक पेड़ और था पीपल का, उसी में खड़ा रहा और यहाँ लोग वन पूजने आते थे, तो वन पूजे आए तो कंटक आ गया था ही, तो लेके चला गया उसे, उसी पर पेड़ समाप्त हुआ, तो बाद में पीपल। और ये मंदिर अभी और सब जो बने हनुमान जी का बना है, ये बना है, ये बाद में बना है, हम लोगों के जानकारी में ये सब बना है। और वैसे तो कोई बता नहीं सकता, यहाँ बगिया भागा जाता है, बाबू जान गए, यहाँ बगिया भागा जाता है 6 साल, हम 3 साल तो यहाँ भोरी भाटा लगा है, आइंदा को यहाँ फिर बगिया भागा जाएगा, हजारों 2000 आदमी से ऊपर रहते हैं और यही सब बनता है, सब खाते हैं। और हमेशा ये जब से यहाँ नगाड़ा बजा करता है हर मंगल को, तो हम लोग हर मंगल को आते हैं, चाहे कथा हो या ना हो हम लोग आते हैं। हम आए हैं कथा बाँचने, आए थे 3 कथा बाँचने के लिए आए थे, लेकिन हमने 3 बाँचा 4 बाँध दिया, माता जी ने हमको दिया 70 रुपया तक, माता जी ने, हम यहाँ बैठे हैं, लोग हमारा पाँव पकड़ करके ले गए। इधर भी आप लोग देख सकते हैं, ये भगवान शिव जी की प्रतिमा भी है इधर,
ये भगवान शिव जी जो कि काफ़ी बेहतरीन शिवलिंग और काफ़ी अच्छी है, और यहाँ की शांति जो है वो बहुत ही अच्छी है, एकदम पूरा शांति का माहौल है। और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले ये जंगल था, उसके बाद में फिर पीपल और ये बरगद का पेड़। सुहे चोले वाली